गुड आफ्टरनून सबको। मैं बाहर कोई आया है जैसे देख रहा है, पूरा कोई कुरियर का है, बहुत दिन मेरा पौधा नहीं दिखा है। देख लो जो पुदीना आधा झड़ चुकी है, क्यों पता नहीं, रोज पानी देते थे, एकदम छोड़ के गया था ना घर, उसके बाद आके देखा ऐसे हालत हो गई। तो अभी गर्मी के साथ साथ बादल भी है, पता नहीं बारिश होगा कि नहीं। तो अभी 12 बज गया, मेरा भी 12 बज गया, गर्मी है बहुत। सुबह का नाश्ता नॉर्मल था, कर लिया, उत्तपम बनाया था, मैं ब्रेड खाया, और अभी खाना भगवान का खाना बनाऊंगी, बस पीस चढ़ाऊंगी, फिर एक बार नहा लिया, फिर नहाऊंगी, क्योंकि वो खाना बनाते बनाते फिर गर्मी लग जाएगी, बहुत सारा गर्मी, बहुत सारा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। बिस्टी के बाद हिंदी पढ़ना पड़ेगा, मैं नींबू लगा रही हूँ, फिर से नहाऊंगी ना, फिर तब ये लगा लूंगी शैम्पू। मैं सुबह एक बार नहा चुकी हूँ, पता है, मुझे भी पता है, फिर से नहाऊंगी, फिर खाना, गर्मी लग जाएगी, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो फिर खाना बना के बाद घी में नहीं तो तेल में जीरा और चावल को अंदर से नमक, जितना कटोरी चावल उसका डबल पानी, देखिए इसको बॉयल आने के बाद फिर ढकूंगी। जीरा राइस इधर रेडी, धनिया पत्ता हो तो देने से भी अच्छा लगता देखने में, है मेरा भूल गया, मैं भी दूंगी, आज दिन रहता नहीं है, देखो बोल रही है दूसरे को, मेरे पास ही है, देखो कितना अच्छा खिला खिला हुआ, पता है वो थोड़ा सा ना, मतलब घी भा तेल में मैं जब ही थोड़ा सा चावल को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब ज्यादा नहीं फ्राई नहीं, मतलब मिला लीजिए तो चिपकता नहीं, ज्यादा बोलूंगी नहीं। फिर दाल को छोक दूंगी, दाल को पहले मूंग की दाल को रोस्ट करके बॉयल करके रख दिया, नमक हल्दी दे के, अभी इसमें सूखा मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला जैसा कुछ है, छोटा इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, और थोड़ा सा जीरा, अदरक, ओहो जो फूटता है मुझे अच्छा नहीं लगता, टमाटर को दिया, नहीं भी दे सकते हैं, इस कढ़ाई में ना इतना जल्दी गर्म हो जाता है। छोक दाल को घी में करने से ज्यादा अच्छा, तो मूंग की दाल और ऑप्शनली घी को खा ही सकते हैं, ओके समझो ऑप्शनली, कुछ भी बोलिए, थोड़ा सा कुटा हुआ नारियल, कोरा हुआ, कैसे भी हालत में कच्चा नारियल डाल सकते हो, कुटा हुआ, कोरा हुआ, टूटा हुआ, कुछ भी, फ्राई करके नहीं, फ्राई करके ना उसका तेल निकल जाता है, अच्छा नहीं लगता है, डाल सकते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आज तो भगवान खुश हो जाएगी, बोले कि मुझे भी नहीं मिलता है इतना कुछ। तभी एक और एक सब्जी बनाऊंगी, प्लीज रेडी जल्दी जल्दी, इसका हालत देगा जी था मेरा किचन का। इसमें भी थोड़ा सा जीरा, सूखी मिर्च और अच्छे से हाथ करके लेने वाला अदरक, कुमड़ा और आलू, और पहले से बॉइल करा हुआ चना, कच्चा भी डाल सकते हो। इसमें भी थोड़ा सा नमक, नमक बिना होता नहीं है खाना, बन सकते हैं, बांध तो सकते है, मुझे एक दूसरे से मिलेगा नहीं तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अधिकतर मिलता है। इसमें भी थोड़ा सा शुगर, तो कुछ कुछ चीज ना, मतलब जैसे है ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है, तो और इसमें भी थोड़ा सा शुगर, देखिए अभी इसको ढक दूंगी, बाकी मसाला थोड़ी देर बाद, इसको ढक देते हैं और इसको कर देते हैं बंद, हो गया इसका। हाँ अभी थोड़ा सा मसाला, भुना हुआ मसाला दे दूंगी, इसमें उसने भी बताया था कि जो ज्यादा देर में, मतलब जो उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है ना, वो सब सब्जी में डालती हूँ, इसमें जीरा, धनिया
और ऐसे छोटा इलायची, एक बड़ा इलायची, दालचीनी एक थोड़ा सा रोस्ट करके पीस ली। पीसने के बाद ऐसे इतना अच्छा इसका खुशबू होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दो। आलू और पम्पकिन एक साथ मिक्स हो जाएगी, ये पूरी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। तो भगवान को कल रात को ही पूरी दिया था, इसलिए मैं बोली थोड़ा सा भी जीरा राइस खा ले तो घर में, भगवान भी तो खाना खाते हैं ना। अरे भगवान का नाम क्या, हम लोग खाते हैं खाना। चलो अभी रेडी, फिर मैं रेडी होके आके खाना चढ़ाऊंगे, ढक्के रख दो। मतलब कुछ बोलता हो बोले दिलाओ ना, मतलब कुछ बोलना है तो बोल सकते हो ना। अरे अंधेरा है, जैसे लग रहा रात हो गई, अभी थोड़ा सा दिख रही है। पिष्टी बोल रही है मेकअप करूंगी मैं, मतलब ना मुझे ऐसे लगता है जैसे स्किन को ना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ आनी फील होता है। तू घर में रहूंगी मेकअप करके क्या फायदा। अरे वो भूत क्यों बना रही हो जीनू को। अच्छा बिष्टी को रात दूंगी, आ जा आ जा आ जा, आ नमो को आ नमो को ये कर देते, आ जा भगवान को दे देते, आ जाओ। पनीर भूल गया रे, भगवान का माला चेंज कर दो। नहीं भगवान व्हाइट कलर के पनीर, भगवान जी खाना खा लो। अरे 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 डांस हो चुके, वो तो नमो तो इधर क्या कर रही है। कैमन चुप चुप करे, अंधेरा हो चुकी है। सब्जी वाला को देख रही हूँ आया क्या नहीं आया। मुझे अदरक चाहिए, अदरक अदरक थोड़ा सा है। अरे कैसे मस्ती चल रही है, पूरा डब्बा का पाउडर का डिब्बा लेके देखो क्या बना रही है। देखो इतना गर्मी, फिर इसके ऊपर नया कपड़ा, कौन गर्मी में कम नया कपड़ा पहनते है, पागल ऐसा पहन लिया। इतना गर्मी लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। यह 2 साल से पड़ा था, मैंने नीचे बर्तन अभी तक उठाए नहीं। तो शाम के लिए थोड़ा सा सोच रही हूँ भगवान को दही बड़ा बनाऊंगी, सबके लिए बनाऊंगी सोचा था, नहीं बनाऊंगी सबके लिए। बहुत ज्यादा गर्मी भी है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है तबीयत। इस पे भगवान को सिर्फ चढ़ाने लिखे थोड़ा सा बनाऊंगी, क्योंकि गर्म गर्म देना अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए बना के रख देती हूँ। फिर चाय पीऊंगी, फिर उसके बाद मैं पीस दाल वगैरह पीस के रख दिया ऑलरेडी। देखो कितना फास्ट हूँ, आलसी बिल्कुल फास्ट नहीं हूँ। कहाँ गई मेरा, चलो दिखाते हैं। बनाऊंगी इसलिए थोड़ा सा दही निकल दिया, अरे तेल भी थोड़ा सा ही दिया, थोड़ा थोड़ा। दाल बहुत एक किया था, सोचा था बनाऊंगी तो बिल्कुल मन नहीं है सबके लिए बनाना, सोचा था बना के सबको देना है,
तबीयत ना अच्छा नहीं लग रहा, गर्म हो, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो फिर भी दिक्कत। दही बड़ा का यही हाल है। गणेश जी को मैं छोटा छोटा दूंगी आज। ये दही बड़ा ना बड़ी हो गई, गणेश जी इतना ही खाएगी। अरे ये पतला भी हो गया, छोटो थोड़ा तो बड़े बड़े हो। दही अच्छे से, दही नहीं दाल इतना अच्छे से बीट हुआ है ना। अरे मेरा रेडी हो गई, इसमें पानी में डाल दो, ये मजा आता है पता। इतना छोटा छोटा बनाया दही बड़ा, ऐसे मसूर दाल की बड़ा। ओ माँ इसको नमक और नमक और चीनी देके इसको अभी घोल के रख देती हूँ, और सॉफ्ट होने के बाद फिर इसमें डालूंगी। अभी ऐसे करके फेंट के फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है ना। पानी निचोड़ निचोड़ के इसमें दे दो, लार आ रहे हो। इतना सॉफ्ट हुआ है ना, इसको डाल को जितना मतलब फेटेंगे ना उतना ही सॉफ्ट होगी। अच्छे से नहीं फेटेंगे तो वो अंदर ऐसे गुडली गुडली पक जाती है। डुबो दो डुबो दो, थोड़ा सा फिर से ब्लैक पेपर और भुना हुआ अच्छे से कुटा नहीं कूट गया जीरा। मैं चटनी वगैरह भगवान को नहीं दे रही हूँ, जब हम लोग प्रसाद लेके खाऊंगी तब ले लूंगी। ये रेडी हो गया, दे देते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे एक भाई ने केक भेजा, भैया का बर्थडे है तो मैं ऐसे ही विश कर रही हूँ। तो हैप्पी बर्थडे भैया, और केक के लिए थैंक यू। मैं आपका केक भी भगवान को पहले ही चढ़ा दिया कि भगवान के पास काटूंगी अपने आपका नाम के, फिर आप लोग सब मिल के खाएंगे। अरे कितना सारा ला के फेंक दिया कैंडी। हैप्पी बर्थडे अंकल, जाओ 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 गणेश जी को दी। अरे साठ आठ इतना सॉफ्ट है ना, दा दा दा। सॉरी सॉरी सॉरी, तो सॉफ्ट बाबा रे। छा छा छा, नोड़ीस ना नोड़ीस ना दादा। इसमें काजू, वाटरमेलन का सीड है, और टमाटर है, और क्या है जिंजर है। हाँ इसका पेस्ट बना दूंगा मैं, कुकर में बना रही हूँ। बहुत गर्मी भी है, तबीयत भी खराब लग रही है, इसलिए मटर पनीर बनाऊंगी। तो इसमें दालचीनी और छोटा इलायची और थोड़ा सा जीरा है। पहले ही मैं दे देती हूँ कसूरी मेथी को, इसका भी टेस्ट ना अलग ही होता है थोड़ा सा। तो अभी जो बनाया मसाला वो डाल दूंगी। कुकर में जल्दी भी होता है और पनीर बहुत सॉफ्ट भी होता है बहुत। नमक मतलब मटर पर नहीं, मतलब मटर डाल के पनीर डालूंगी। कश्मीरी चिली पाउडर, मैं इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालूंगी, कोई चाहे तो डाल सकते हैं। मैं बॉईल किया है नहीं, कोई कढ़ाई में बनाएंगे तो बॉईल कर लीजिए। मेरे घर में इतना जोर जोर से बोलना पड़ता है ना, कैंडी इतना चिल्लाती है ना वो, तो इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं बॉईल नहीं किया। मसाला के साथ थोड़ा सा भून लूंगी, कढ़ाई में होता तो मैं तब थोड़ा सा पहले बॉईल कर लेता।
पनीर को जैसे भी काट सकते हो, लंबा लंबा क्यूब जैसे भी है काट सकते हो। और पनीर ना ज्यादा दिन स्टोर करने का है तो पनीर को ना एकदम पूरा पानी में डुबो के रखिए, और बहुत दो तीन दिन से भी ज्यादा रखना है तो बीच बीच में मैं 2 दिन छोड़ छोड़ के पानी चेंज करके फिर रख दीजिए, कुछ खराब नहीं होता है। एकदम जैसे बाजार का जैसे लाते हैं ऐसे ही मिलता है, मतलब पूरा पानी में एकदम डुबो के रखना है पनीर को। और ज्यादा दिन रखना है तो फिर चेंज करना पड़ता है, 2 दिन छोड़ छोड़, 1 दिन छोड़ छोड़ के चेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं बड़े बड़े टुकड़ा कर लिया, फिर डाल देंगे थोड़ा सा, करने के बाद पानी में थोड़ा ही दूंगी, फिर 2 सीटी लगा दूंगी। जब भी मसाला मतलब थोड़ा सा पक जाए, ऐसे बहुत ज्यादा पकाने की भी जरूरत नहीं है, वो कुकर में ऐसे ही सीटी लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगी। मैं मीडियम आंच पे 2 सीटी लगाऊंगी। मेरा ज्यादा थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही सूख गया, मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी। देखो रेडी हो गया, और पनीर देखो ना बहुत सॉफ्ट होता है। और मैं ना पनीर ज्यादा फ्राई नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता फ्राई वाला पनीर, जैसे इरेजर जैसा लग। मैं इधर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया तो 2-3 मिनट इसको ठीक से गर्म करूंगी, बस रेडी हो गया। दोपहर में दाल और जीरा राइस ज्यादा बना लिया था तो हो गया। फिर इधर 1 बाल्टी पनीर का सब्जी और दही बड़ा, सॉरी ऊपर से चटनी लगा दूंगी, बस रेडी। इतना अच्छा डिनर, खुद ही खुद बोल देते हैं, कोई बोलता नहीं है।